हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम लर्न के एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ड्रीम लर्न पे एक आपका मैनेजर मोड आया हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके लिए आप ड्रीम लर्न ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद नीचे लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे मोड्स लिखा हुआ है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से दिखा रहा है कि मैनेजर मोड न्यू मैनेज वन टीम फॉर द इंटायर सीरीज, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस टाइप से आपका ओपन हो जाएगा। आप एक टीम बनाएंगे 74 मैचों के लिए, जिसमें आपके 11 प्लेयर होंगे, ठीक है। आप इन्हें ट्रांसफर और बूस्टर यूज करके आप इसे मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा विन कर सकते हैं, ठीक। हाउ टू प्ले, तो हाउ टू प्ले पर आप टच कीजिएगा, यानी इसे कैसे खेलना है। तो यहाँ से आप एक टीम क्रिएट करेंगे, ठीक है। जिस तरह पर आप सीजन लॉन्ग कॉन्टेस्ट खेलते हैं, उस टाइप से ही आपको टीम क्रिएट करना है, बूस्टर का यूज़ करना है, ठीक है। सारे चीज़ वही है, बस इसका यहाँ पे नाम चेंज किया गया है, ठीक। यहाँ पे जो मैनेजर ऑफ द लीग चलेगी, प्राइवेट लीग आप क्रिएट करते सॉरी प्राइवेट लीग आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से टीम मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसफर का यूज़ करके आप जो भी आने वाले अपकमिंग मैच है उनमें प्लेयर को चेंज कर सकते हैं। बूस्टर का प्रयोग कर सकते हैं अपने पॉइंट को इनक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये तो इन्हीं सब का यूज़ करके आपको इसे खेलना है, ठीक। तो आपका सीजन लॉन्ग कॉन्टेस्ट की तरह ही है। तो यहाँ पर क्रिएट लीग, इस पर टच करके आप अपना पर्सनल जो लीग है वो क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 1000 लोगों को खेलना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ क्रिएट टीम टू ज्वाइन, इस पर आप टच कर दीजिए। टच करने के बाद आप यहाँ से टीम जो भी आपको पसंद आए वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर डेमो के लिए हम यहाँ पे क्रिएट कर दिए। नेक्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन आप यहां से चूज कर दीजिएगा, ठीक है। लीग क्रिएट हो गई है, सक्सेसफुली आप ज्वाइन भी हो गए हैं। अब आप ट्रांसफर और बूस्टर आसानी से इसमें यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो हम इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके यहाँ से इस लीग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बाय द वे अगर आपके ड्रीम 11 में यह मोड शो नहीं कर रहा होगा, ठीक, तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर आप टच करके इस मोड पर डायरेक्टली ही आप इंटर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक शेड्यूल अपडेट भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में चुनाव होने वाला है, तो जो आपके 53 मैच हैं उनका शेड्यूल अभी आउट नहीं हुआ है। तो जैसे उसका शेड्यूल आउट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो रिमेनिंग मैच होंगे वो आपके शो करने लगेंगे। यहाँ पर शेयर नाउ का भी ऑप्शन है, अगर आप में शो कर रहा होगा और आपके किसी फ्रेंड में यह मोड शो नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ से आप शेयर नाउ पर टच करके उसे शेयर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है शेड्यूल, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद जो भी मैच आपके होने वाले हैं उनका टीम के साथ और कितने तारीख को होने वाला है वो यहाँ पे शो कर देगा। फिर है आपका स्टेट्स हब, इस पर आप टच कीजिए। यहाँ पे जो भी आपके मैच है उसके स्टेट्स शो कर देंगे आने वाले आपका मैच में। जैसे कि यहाँ पर चेन्नई और आरसीबी का है, विन प्रोबेबिलिटी चेन्नई की 51% है और आरसीबी की 49%, ठीक है। बाकी आने वाले अपकमिंग टाइम में आपको मिल जाएंगे। ट्रेनिंग बूस्टर भी आप यहां पर देख सकते हैं, बूस्टर ब्रेकअप भी आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पे व्हाट पॉपुलर, तो पॉपुलर में क्या है, तो टॉप रिकमेंडेशन में आपके यहां पर प्लेयर्स हैं एम पथराना, डी कॉनवे, आर गायकवाड, विराट कोहली और पटीदार। पॉइंट्स टेबल अभी कोई मैच हुआ नहीं तो यहाँ पर अपडेट है नहीं। आप जैसे ही मैच चालू हो जाए, टूर्नामेंट चालू हो जाए, तो यहाँ से आप सबका पॉइंट्स टेबल चेकआउट कर सकते हैं। फिर आप होम पे आ जाइएगा,
होम पे आने के बाद जो भी आपने यहाँ पर टीम क्रिएट किया होगा वो शो कर देगा। मैनेज टीम पे टच करके आप यहाँ पे एडिट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बूस्टर्स है तो बूस्टर पे टच करके जो भी यहाँ पर बूस्टर है इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। आप डबल अप बूस्टर को 2 बार, पावर बैटर बूस्टर को 3 बार, पावर बॉलर बूस्टर को 3 बार, पावर विकेट कीपर को आप 3 बार और पावर ऑलराउंडर बूस्टर को आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं डबल अप बूस्टर में, ठीक है। जिस भी मैच में आप यूज़ करेंगे उसमें जितने भी आपके प्लेयर होंगे जितना भी उनका पॉइंट होगा वो डबल हो जाएगा। पावर बैटर, जब भी आप पावर बैटर बूस्टर का यूज़ करेंगे तो उस मैच में जितने भी बैटर होंगे यानी बैट्समैन होंगे सबका पॉइंट डबल हो जाएगा। पावर बॉलर, जिस भी मैच में आप इस बूस्टर का प्रयोग करेंगे उस मैच में जो भी आपने बॉलर चूज किया होगा उनका जो पॉइंट है वो डबल हो जाएगा। पावर विकेट कीपर, ठीक, इस बूस्टर का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपके टीम में जितने भी विकेट कीपर होंगे उनका जो पॉइंट है वो डबल हो जाएगा। पावर ऑलराउंडर, यह बूस्टर आप जिस भी मैच में यूज़ करेंगे आपके टीम में जो भी ऑलराउंडर होंगे उनका जो पॉइंट है वो डबल हो जाएगा, ठीक। आपको पूरे टूर्नामेंट में 300 ट्रांसफ़र मिलेंगे, आप 300 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो आपके आईपीएल के टोटल 74 मैच होने वाले हैं, इसलिए अच्छे से प्लानिंग करके इन ट्रांसफ़र को यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे जो बूस्टर्स हैं, ठीक, आप कैप्टन वाइस कैप्टन अनलिमिटेड टाइम चेंज कर सकते हैं। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आपका ट्रांसफ़र में काउंट नहीं होता, ठीक है। मैच चालू होने से पहले यानी टूर्नामेंट का जो पहला मैच है वो चालू होने से पहले आप जितना चाहें उतनी बार चेंज कर सकते हैं, वह भी आपका ट्रांसफ़र में काउंट नहीं होता। लेकिन पहला मैच होने के बाद जो भी आप चेंज करेंगे वो आपका ट्रांसफ़र में काउंट होगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, ठीक। तो आप यहाँ से अपनी टीम को आप मैनेज कर पाएंगे, ऊपर सीरीज पॉइंट्स है उसे देख पाएंगे, यहाँ पे वीक जो पहले वीक में जो पॉइंट्स होगा उसे आप देख पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपकी चैंपियंस लीग है तो यहाँ पे लिखा है कि मैनेजर ऑफ द लीग, इस पे टच करके, ठीक है, जो लीडर बोर्ड होगा मैनेजर ऑफ द लीग का वहाँ पे आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे जो लोग विनिंग जोन में होंगे उसको देख सकते हैं कि जो भी नंबर 1 पे होंगे उन्हें 50 लाख का आईडी कार मिलेगा, नंबर 2 पे जो लोग होंगे उन्हें रॉयल इनफील्ड शॉटगन 650 बाइक मिलेगी, 3 से 10 के बीच में जो लोग होंगे उन्हें MMT भाउचर 2.5 लाख का मिलेगा, 11 से 30 के बीच में जो लोग होंगे उन्हें 1 लाख का अमेजन भाउचर मिलेगा, 31 से 50 के बीच में जो लोग होंगे उन्हें 50,000 का तनिष्क भाउचर मिलेगा, 51 से 100 के बीच में जिनका रैंक होगा उन्हें 25,000 का फ्लिपकार्ट भाउचर मिलेगा, ठीक है। विनर जो भी है जो लास्ट मैच खत्म होगा उसके बाद ही डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका मैनेजर ऑफ द लीग। फिर है आपका मैनेजर ऑफ द वीक, इस पर टच कीजिएगा। यहाँ से जो भी वीक चलेंगे आपके वीक 1 वीक 2 उसका आप अपना रैंक चेकआउट यहाँ से कर पाएंगे कि वीक 1 में आपके रैंक क्या है, वीक 2 अभी आपका लॉक है, वीक 3 भी आपका लॉक है, ठीक है। सबका जो पॉइंट जो प्राइस होंगे वो अलग अलग होंगे। यहाँ से विनिंग पे टच कीजिएगा तो यहाँ से जो नंबर 1 पे होंगे, ठीक है, पहले वीक में उन्हें 2 VIP टिकट मिलेगा, जो लोग नंबर 2 पे होंगे उन्हें 15,000 का अमेजन भाउचर मिलेगा, 3 से 10 के बीच में जो लोग होंगे उन्हें 10,000 का मंत्रा भाउचर मिलेगा, 11 से 100 के बीच में जिनका रैंक होगा उन्हें 3,000 का स्विगी भाउचर मिलेगा, 101 से लेकर 200 के बीच में जिनका रैंक होना होगा उन्हें 2,000 का ड्रीम इलेवन डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो विनर है जैसे ही इस वीक का लास्ट मैच खत्म होगा उसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर जान चुके हैं कि हाँ इन दोनों में प्राइस क्या है। फिर यहाँ पर प्राइवेट लीग है, जो भी आपने अगर कोई लीग क्रिएट किया होगा वो यहाँ पर शो कर देगा। इस पर आप टच करके यहाँ से आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने प्राइवेट कॉन्टेस्ट क्रिएट किया हुआ है तो
तो वहाँ पे आपकी रैंक क्या है, ठीक है। तो यही आपका मैनेजर मोड है एक प्रकार से। आप इसे ड्रीम इलेवन का आईपीएल जो होने वाला है उसका 10 सीजन लॉन्ग कॉन्टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 14 बूस्टर्स आपको मिलेंगे, इस चीज़ का जरूर आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।